हेलो फ्रेंड्स, प्रिया इजी कुकिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स की करी। यह सोया चंक्स की करी आपको तो पसंद आएगी ही, साथ ही आपके बच्चों को भी यह काफ़ी पसंद आएगी। तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह बनाई जाती है सोया चंक्स की करी। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सोया चंक्स की करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे। तेल गर्म होते ही इसमें जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और 7 से 8 कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन और हरी मिर्च होने के बाद अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टमाटर का यूज़ किया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए टमाटर गलने तक हम पका लेंगे। टमाटर अब अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ में कट किया हुआ आलू डालेंगे और सोया चंक्स डालेंगे। यहाँ पर मैंने 10 से 15 मिनट पहले सोया चंक्स को भिगो दिया था। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर को क्लोज करके 7 से 8 विसल्स ले लेंगे। याद रखें, यहाँ पर अभी तक मैंने मैजिक मसाले का यूज़ नहीं किया है। 7 से 8 विसल्स होने के बाद कुकर को पूरी तरह ठंडा कर लेंगे और इसे ओपन करेंगे। यह देखिए, सोया चंक्स पूरी तरह से गल चुका है। अब हम यहाँ पर हमारा मैजिक मसाला डालेंगे। इससे पहले आप गैस को दोबारा से ऑन कर दीजिए। यहाँ पर मैंने राजमा मसाला का यूज़ किया है और 2 चम्मच राजमा मसाला डाला है। याद रखें, यह मसाला आप कुकर की विसल्स लेने से पहले ना डालें, इसे बाद में ही डालें। अब इसे हरे धनिया से गार्निश करके हम सर्व करेंगे। तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।